असलकुम क्लास, आज हम लेक्चर नंबर 4 लेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके लिए आपको पेज नंबर 8 और 9 की रीडिंग करनी होगी। पेज नंबर 8 की रीडिंग के लिए मैं पहले भी बोल चुकी थी, दोबारा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, पहले हम उनकी मीनिंग पढ़ेंगे फिर अपना लेक्चर अटेंड करेंगे। नंबर 1 है डिपेंड, इंतजार करना, मुश्तमिल होना। यीस्ट क्या है? खमीर को पिज्जे के डो में डलता होता है, आप लोगों को पता है पिज्जा तो आजकल सब शॉप से ही खाते हैं। मॉल्ट देते हैं फफूंदी को, रबर रोटी पे, फ्रूट्स पे आपने देखी होगी। मिड यूज कहते हैं सड़ाना, यानी ऐसी चीज जो हमारे निज़ाम में किसी चीज़ को सड़ाना। फोटोसिंथेसिस कहते हैं जैव तारीफ को, ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जो हमारे प्लांट्स में होता है गजा बनाने के लिए। ओके, हमने 5 टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था, 2 बैक्टीरिया और एल्जी हमने लास्ट लेक्चर में अटेंड किया था। अब हमारा क्या है? फंजी, फंजाई, फ्लोरल, फंगस आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही सादा शक्ल के होते हैं। लाइक प्लांट्स, फंजाई कैन नॉट मेक देयर फूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज्यादा तरह का प्रोसेस होता है, वो अपने जैसा बना रहते हैं। लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल नहीं होता है जिसकी वजह से ये अपने गजा नहीं बना सकते। अच्छा जी, दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड नीदर एज प्लांट और एज एनिमल। इनकी क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी हम प्लांट्स और एनिमल्स की तरह नहीं कर सकते। दे आर प्लेस्ड एज किंगडम ऑफ फंजाई। इनकी क्या है? इनको किंगडम की शक्ल में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले है मशरूम, देन यीस्ट, मोल्ड्स एंड मिल्डीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। इनकी मीनिंग मैंने साइड पर लिखवा दी है। ये तमाम एग्जाम्पल है किसकी है? फंजाई की। नंबर 2 पे आज का नंबर 2 है प्लांट्स। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर। प्लांट्स के बारे में हम काफी हद तक जानते भी हैं और हमने रियल में देखे भी हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो हमने नहीं देखे हैं। दे हैव स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। इनके तले होते हैं, जड़े होती हैं, लीव्स पत्ते होते हैं। नॉर्मल इनके जो पार्ट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ये तमाम सबको पता होता है। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। जैसे हम लोग अपने किचन में खाना बनाते हैं तो हमारा एक कॉर्नर होता है, इसी तरह से इनका एक अमल होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसके लिए इन्हें सनलाइट, सूरज की रोशनी, वाटर, पानी और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहते हैं ग्रीन पिगमेंट को। ग्रीन जरात होते हैं जो हमारे प्लांट्स में लीफ में पाए जाते हैं। हमारा किचन होता है प्लांट का लीफ किचन कॉर्नर होता है, यानी तमाम गजा जो है उनके लीव्स में बनती है और उसके बाद वैंस के जरिए वो पूरे प्लांट में चली जाती है। लास्ट है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, मेजॉरिटी ही मल्टीसेलुलर होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स जो बड़े एनिमल होते हैं वो छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं। और कुछ जैसे हमारे सपोज सबसे सिंपल जो होता है, जब हमारी बकरी, दाती, गाय वगैरह सब देखते हैं, ये क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, हम इन्हें ला के देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनिमल अपने गजा खुद तैयार करें, इनका भी किचन हो, जाए फ्रूट खरीद के लाएं, नहीं। ये क्या करते हैं? दूसरे जानवरों पर या पौधों पर मुश्तमिल होते हैं अपनी गजा के लिए। हमारे 5 किंगडम कंप्लीट हो चुके हैं। 2 हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे, 3 राजा हमारे हो गए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड।